Hey everyone, welcome IIT fighters. तो कैसे हो दोस्तों यार, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी यार द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर. जो कॉन्सेप्ट हमने यार हीट ट्रांसफर के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उनके यू नो सम एग्जांपल सम प्रॉब्लम्स किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करने. पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर फटाक से यार हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बढ़िया सा जो कॉन्सेप्ट है प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और उससे क्वेश्चंस आने के काफी चांस होते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मतलब इस लेक्चर में इनको हम फिनिश करने वाले हैं. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि दो स्फेरिकल बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी. लेट्स सी, आपको दिया है कि एक बॉडी ये है ए, ओके, और इसकी जो रेडियस है समथिंग लाइक दैट आर वन मान लो, इसका जो टेम्परेचर है वो टी वन मान लो, उसको बॉडी ए का नाम दिया गया है. एक बॉडी है मेरे पास जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक है 18 सेंटीमीटर, मतलब इससे काफी बड़ी होगी यार, है ना, इससे काफी बड़ी होगी. तो उसकी जो रेडियस है समथिंग वो आर टू है, आपको क्लियर है यहाँ पे आर टू इज ग्रेटर एन आर वन, इसको नाम दिया गया दैट इज बॉडी बी और इसका टेम्परेचर है टी टू. और आपसे पूछा जा रहा है यार स्फेरिकल बॉडी है, टेम्परेचर गिवन है तो ऑब्वियसली हीट रेडिएट करेंगे बॉस, ठीक है. तो हमसे पूछा गया कि ये बॉडी जो है जब ये हीट रेडिएट कर रही होगी तो उसका जो रेट होगा हीट रेडिएशन का जो रेट होगा लेट्स सी वो है Q1, वो Q1 है. और ये जब हीट रेडिएट कर रही होगी सपोज करो इसका जो रेट है हीट रेडिएट करने का वो है Q2. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दीज टू रेट्स, ओके, ये आपने यार कैलकुलेट करना है. और यार उड़ा देंगे हम इसको क्योंकि हम पता है इसके कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस है बट इंपॉर्टेंट. आईआईटी में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इजी है, हमें उससे क्या मतलब यार, हमारा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, 4 मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए, ओके. एंड यू जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द गिवन वैल्यूज, यार गिवन वैल्यूज आपके पास है रेडियस मतलब साइज दे रखा है उनका एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी जो वहां पे इंटेंसिटी पे जो वहां पे रेडिएट कर रही होगी वो एनर्जी उसकी जो वेवलेंथ है बॉडी ए की वो है 500 नैनोमीटर और बी वाली की जो वेवलेंथ दे रखी है वो 1500 नैनोमीटर है. तो यार इसमें टेम्परेचर्स आर नॉट गिवन, वेवलेंथ्स आर गिवन. सो इंपॉर्टेंट रिमेंबर, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था Q1 over Q2 is equal to radius given है, hence we can write R1 over R2 and its whole square into because of temperatures are not given, so that's why we have to take the wavelength ratio. और आपको बताया यार temperature और wavelength का जो ratio होता है obviously wavelength का जो ratio होता है temperature के साथ inversely proportional है. यहाँ पे आना था T1 over T2 तो we have to write down lambda 2 over lambda 1 और उसकी power चूंकि original formula में आपको पता है कि जो ये एनर्जी होती है टी की पावर 4 पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यार. तो मैं यहाँ पे T1 ओवर T2 की होल पावर 4 लिखूंगा तो उसकी जगह मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली λ2 ओवर λ1. यू जस्ट पुट द वैल्यू नाउ और फाइनल आंसर आपके सामने होने वाला है यार. तो यहाँ पे जो R1 आपको गिवन है व्हाट इज दिस 6 एंड R2 व्हाट इज दैट 18 एंड इसका स्क्वायर करोगे आप इनटू λ2 आपको गिवन है यार 1500. This is 1500 और this is 500. इसकी 4 पावर है. उड़ा दो यार, छोटी सी लिटिल बिट कैलकुलेशन है, यू कैन सॉल्व. सो दिस इज व्हाट 3 का स्क्वायर, दिस इज 9, 1/9 इनटू ये भी 3 आएगा, 3 की पावर 4 है यार. तो यहाँ पे कितना बचने वाला है आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 है, ऑब्वियसली 9 ही बचेगा यार. तो जो रेशियो आपके पास मेंटेन हो रहा है यहाँ पे दैट इज 9:1, दिस इज योर फाइनल आंसर. यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम यार. मतलब मेरा कहने का ये है हीट ट्रांसफर के रेडिएशन प्रोसेस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी बहुत चांस है कि वो करेक्ट होना है आपसे. और दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विंस लो एज वेल एज स्टीपन्स लो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, उसी का कॉम्बिनेशन है और डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. तो मतलब यहां से आने वाले क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस आपके पास होने चाहिए कि आप करेक्ट करके आओगे और 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे यार. अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट लास्ट में एक लॉ मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, ओके, वो हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इजी होती है, आप कर सकते हो, बस लिटिल बिट कैलकुलेशंस वहां देखने को मिलती है वो हम कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ओके ओके आईडी फाइटर्स. अब सेकंड क्वेश्चन यार न्यूटन्स लॉ ऑफ यू नो कूलिंग का हमने सेलेक्ट कर लिया है और जल्दी से उसको उड़ा देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं. मैंने बोला ना सबसे बड़े क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है यार और केयरफुली पढ़ के उसको समझ लो कि वो कहना क्या चाहता है, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट यूज करो, उसको पटक के आओ, उसको फोड़ के आओ बढ़िया तरीके से. सो जस्ट रीड द क्वेश्चन, मैंने डाटा लिख लिया और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है यार. इसमें एक बिल्कुल सीरीज दे रखी है, उसने बोला एक हॉट वाटर है और उसका इनिशियल जो टेम्परेचर है दैट इज 75 डिग्री सेल्सियस, ओके. फिर उसने बोला आफ्टर सम टाइम T1 वो रिड्यूस होके हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर सम टाइम T2 वो रिड्यूस होके हो जाता है 65 डिग्री सेल्सियस.
तो टाइम उसको लगा। T2 ऐसा करने में 65 डिग्री सेल्सियस से फिर वो अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली कूलिंग हो रहा है, न्यूटन लॉ कूलिंग यहाँ पे चल रहा है एंड इट इज अ टाइम, यू नो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही यार, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। जैसे हम चाय पीते हैं, यू नो गर्म पानी पी रहे हैं, लेट्स सी यू नो चाय पी रहे हैं, तो थोड़ी देर गर्म रख दे उसको ठंडी हो जाएगी ना, फिर और थोड़ी देर ना पिए तो और ठंडी हो जाएगी यार, उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्रॉप होएगा, फॉल करेगा। ओके, तो उसने बोला कि यार 65 से 60 तक जाने में उसको जो टाइम उसने लिया है वो T3 है। तो उसने बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3, इट मींस दैट कौन सा टाइम इसमें ज्यादा लिया होगा, कौन सा टाइम इसमें कम होगा, ये हमें एक बताना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज़ ऑफ इसमें यार केवल T1 T2 और T3 के रिलेशन की बात करी है, तो उसको तो आप डायरेक्ट कांसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, as we know that according to the Newton's law of cooling, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था to solve the numerical problems, T1 minus T2 over T cool is equal to K, you have to write down the average one, T1 plus T2 by 2 and minus T0, this one, okay। तो यार ये मैंने आपको बताया था, अब ये है क्या basically, what is this, this is the rate of cooling, you know you have to write down the rate of cooling is what, डीटी ओवर डीटी, यही होता था यार रेट ऑफ कूलिंग, तो मैं इसको आर लिख रहा हूं। सो ये रेट ऑफ कूलिंग है, ये क्या है सर, ये टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर है बॉडी के T1 से T2 चेंज हो रहा है उसका एवरेज है, ऑब्वियसली दिस इज द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर, ओके दिस इज द एवरेज टेम्परेचर। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, सराउंडिंग टेम्परेचर, जिस सराउंडिंग उसको रखा गया उसका टेम्परेचर होगा ना, सो दिस इज योर सराउंडिंग ऑब्वियसली टेम्परेचर, ओके। अब आप ध्यान से देखो यार, ये जो रेट है ना, ये देखो ना डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये आप देख सकते हो फॉल इन टेम्परेचर है और टाइम से डिवाइड किया गया तो रेट बन गया, ओके तो अकॉर्डिंग टू द टाइम ये टेम्परेचर कब हो रहा होगा, तो दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग, यू कैन से व्हाट इज दैट, यू कैन से रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है यार इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। सो रेट ऑफ कूलिंग ये है, अच्छा देखो रेट ऑफ कूलिंग ये की कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, समटाइम यहां नेगेटिव साइन लेते हैं जो एक्चुअली में जब हम डिराइव करते हैं तो रिलेशन आता है, बट हम यू नो इसका मैग्नीट्यूड लेके ही चलेंगे, यहां पे कैलकुलेशन में ये वैसे भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। सो ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ऑब्वियसली यार ये तो फिक्स्ड हो जाएगा, आई मीन ये कांस्टेंट हो जाएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर व्हाटएवर जो भी गिवन होगा 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री व्हाटएवर वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, भाई देखो ये कांस्टेंट तो ये एवरेज बचा, क्योंकि ये चेंज हो सकता है तो एवरेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इट मींस रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एवरेज टेम्परेचर, हेंस वी कैन से रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 प्लस T2 बाय 2। ध्यान से समझना बॉस, डायरेक्ट पहले कंसेप्ट बता रहा हूं हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। अगर डायरेक्ट रिलेशन बताना है, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने के लिए कुछ मिसिंग क्वांटिटी होती है उसको कैलकुलेट करना, तो ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। सो उसने बोला रेट ऑफ कूलिंग है ना, जिसका ये एवरेज टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका ठंडे होने का जो रेट है उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका टाइम कम लगेगा, समझ पा रहे हो आप मेरी बात, जितना ये टेम्परेचर एवरेज इंक्रीज करेगा जितना जिस इस रेंज में जिसका ज्यादा होगा उसको रेट ऑफ कूलिंग कम, आई मीन जिसका ये एवरेज टेम्परेचर जो है दोस्तों ये जिसका जितना ज्यादा होगा है ना उसी का रेट ऑफ कूलिंग उतना ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रेट ऑफ कूलिंग जिसका जितना ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है मतलब उसको टाइम कम ले रहा है, वो टाइम कम ले रहा है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, तो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड यू जस्ट चेक आउट, जिसका ये ज्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, जिसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाइम में इनवर्सली रिलेशन, कम ऑन गाइस टाइम में इनवर्सली, सो जिसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा उसका टाइम टेकन कम हो जाएगा ना ऑब्वियसली। हाउ वी कैन सॉल्व दिस सर, फिर कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है इन दोनों को सिलेक्ट करो, इनका एवरेज निकालो 75 प्लस 70 बाय 2, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, दिस इज 5, दिस इज 145 यानी 2, ओके दिस इज यू नो 7 एंड दिस इज 2 and this is 5, I think 72.5 something like that, ऐसा कुछ आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ये इतना बनेगा। फिर आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों का एवरेज निकालो यार, 70 plus 65 by 2 and what is this 135 by 2, यार इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनका जो बेस है वो तो सेम है, ये 145 है और ये 135 है, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालो, दिस इज 65 plus 60 by 2, what is this
दिस इज 125/2, तो ये वाला देख लो आप। तो सबसे ज्यादा जो एवरेज है वो किसका आ रहा है, फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा एवरेज आ रहा है, चेक कर सकते हो 145/2, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। क्लियर है, यानी जो एवरेज वैल्यू है वो फर्स्ट वाले की ज्यादा है, और उसके लिए जो टाइम लिया है उसने वो T1 है, और इसके लिए जो टाइम लिया उसने वो T2 है, इसके लिए जो टाइम इसमें यहाँ पे यूज किया वो T3 है। तो जिसका कूलिंग रेट, जिसका एवरेज वैल्यू सबसे ज्यादा उसको कूलिंग रेट सबसे ज्यादा, और जिसका कूलिंग रेट सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे कम। यानी गाइस सबसे कम टाइम किसका होगा, T1 फिर किसका, T2 फिर किसका, T3। जिसका कूलिंग रेट सबसे कम वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा कूल होने में, टेम्परेचर को ड्रॉप करने में, और सबसे कम है 125/2, ऑब्वियसली यू कैन सी। सो हियर इज द रिलेशन, हियर इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, सो यार अब करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे डिपेंडेंट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते ना यार। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन जेईई मेंस में अगर आते हैं तो 4 मार्क्स आपको देके जाएगा, डेफिनेटली दे जाएगा, आफ्टर यू नो सम लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नो अगर आपने कर लिया अच्छे से। क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन आपने खुद करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि जल्दी से इसका आंसर क्या है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, यू जस्ट रीड द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बस ये देखना है कि पूछा क्या गया। देखो कभी कभी क्या होता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है कि फाइनल टेम्परेचर पूछ लेता है जब वो कूल हो रही होगी कोई भी बॉडी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि फाइनल टाइम पूछ लेता है कि यहां से यहां तक का टाइम इतना है, ये कूल होने में इतना टाइम है, तो लास्ट में क्या टाइम होगा इतना टेम्परेचर मेंटेन होने में। 3 type of problems they can ask, okay? और एक ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो जल्दी से देख लेते हैं यार। उसने बोला है कि हॉट वाटर, अगेन यू कैन से, उसने बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर 60°C और वो हो जाता है 50°C, टाइम ले रहा है ठंडा होने में 10 मिनट्स। याद करो गर्म पानी, जब आप सर्दियों में नहाने जाते तो गर्म पानी है ना, लेट से थोड़ी देर के लिए आपने रख दिया, फिर आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, आपने टाइम लेट आपने चेक किया यार थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो चुका होगा, फिर आपने सोचा यार थोड़ी देर बाद और नहाता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं ना, भाई नहाने के लिए गर्म पानी लगा दिया और हमें दिक्कत होती है कि नहीं यार 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट बाद, समथिंग लाइक दैट, है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है सुबह उठने में। तो यार टाइम तो चल रहा है ना, वो तो अपना काम कर रहा है और पानी भी ठंडा हो रहा है, तो 60 से 50 जाने में 10 मिनट लिया, फिर उसने बोला कि 50 से 42 होने में अगेन 10 मिनट लिया। तो दिस इज इनिशियल टाइम एंड दिस इज नेक्स्ट टाइम, यू कैन से। ओके, तो यार यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ प्रोसेस, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है भाई, वो बोले ना बोले दिख रहा है तुम्हें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले आप जब 60 से 50 गया, दिस इज कंडीशन नंबर 1, इसको मान लो आप कंडीशन ए, इसमें अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कंडीशन वाइज चलेंगे, ये कंडीशन 1 है, फिर 50 से 42 जाएगा, यहां पे यूज करेंगे हम कंडीशन नंबर 2, दो इक्वेशन बनेंगी, यू जस्ट रिमेंबर थिंग, ओके, बिकॉज़ दो अननोन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग, ये अननोन है, और याद करो इक्वेशन में के कांस्टेंट होता था वो भी तो अननोन है बॉस, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक द इक्वेशन। तो पहले इन दोनों के लिए बनाओ, ठीक है भाई, इन दोनों के लिए तो टेंपरेचर का रेट लिख लो फॉलो होने का, इक्वल टू के T1 plus T2 by 2 minus T0, you just make the equation, T1 is 60, T2 is 50, okay, and time they are 10, दिख रहा होगा यार, आप जल्दी से बना सकते हो, and this is 60 plus 50, 110 by 2 minus T0, T0 is unknown, this is also unknown, ये बचेगा 1, this is K, ये बचेगा 55, you can check it out, and this one is the first equation, यही पे आप equation number 1 इस पे assume कर सकते हो, no problem यार। एक इक्वेशन और चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, एज यू नो दैट। नाउ फॉर सेकंड कंडीशन, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन द सेम इक्वेशन फॉर दीज टू टेंपरेचर, ये हायर है ये इसके लिए लोअर है, T1 एंड T2, यू कैन रिमेंबर, इसमें पुट करो, तो T1 का कितना है 50 एंड दिस इज व्हाट 42, बॉस होशियार हो रहे हो, धीरे 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 है ना, टेंशन नहीं है, जल्दी से करते जाओ। टाइम अगेन कितना लिया है 10 है बस, ये है K, अगेन 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 दोनों का सम ले लो, सो सम कितना आ रहा है यार 92 आई थिंक बाय 2, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर तो नहीं हो गई, एंड दिस इज T0, ओके, so I think so this is 92 man, so यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो 8/10 is equal to k, and here we go, this is what 46, okay, and minus T0, cool, this is T0, and now you can see इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, this is 4, this is 5, यानी 4/5 is equal to k,
and this is 46 minus 3 naught. Here is the second equation. But guys, I think अब आप solve कर सकते हो. Sir, क्या करेंगे? K को remove करो. K को remove करने के लिए क्या करेंगे? Divide कर लो यार. Okay? या इसमें से K की value उठा के यहाँ पे पटक दो. Answer आ जाएगा. मतलब we just use these two equations and you have to find out the value of T naught. ये देखो आपने कर लिया. छोटी सी basic सी mathematics है. ये आपने कर लेनी है. इतना तो मैं समझ सकता हूँ. ठीक है? So T note यहाँ से आएगा, option आप check कर सकते हो. T note की जब आप value निकालोगे दोस्तों, ये आनी चाहिए 10 degree Celsius. This is your required surrounding temperature. मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई गलत नहीं होना चाहिए. और ऐसे ही क्वेश्चन हमने ढूंढ ढूंढ के घर में होते हैं, है ना. आउट ऑफ 25 क्वेश्चन JEE मेंस में हमने 25 से ढूंढ ढूंढ के करने हैं. वो कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे. होता है ना दुश्मन को ढूंढना है, जो जिससे हम फाइट कर सकते हैं, नहीं जिससे हम लड़ सकते हैं, जिसको हम बीट कर सकते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ के मारो. तो क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मारो. गलत होने का चांस ही नहीं है. जो तुम्हें आता है परफेक्टली आता है, उसको सॉल्व करके आओ. नेगेटिव मार्क्स लाने की जरूरत ही नहीं है यार. तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने सीखने हैं बढ़िया से. अब यार ये तो हो गई हमारे हीट ट्रांसफर के कुछ प्रोसेसेस की बातें, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए. बाकी क्वेश्चंस मैंने डीपी भी मैंने आपको दे दी है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, काफी अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे. ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन आने का उससे भरपूर चांस होता है दोस्तों. बढ़िया तरीके से उसको सीखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर उसके क्वेश्चंस. ओके,